आप जिस तारीख पर गृह प्रवेश कर रहे हैं, इनमें से जो भी डेट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस दिन का आपको प्रॉपर लग्न शोधित करना है। साथ ही अपनी राशि के अनुसार चंद्रमा का संचरण काल देखना है कि जिस डेट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस दिन आपकी राशि से चंद्रमा कहाँ पड़ रहे हैं। विशेषकर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश आदि चंद्रमा को आप उस डेट को अवॉइड करें। इसको कैसे देखते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप संपूर्ण जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। जून में सबसे पहली जो डेट रहेगी वो 1 जून, ये तिथि बहुत ही श्रेष्ठतम बन रही है। अगर आपकी राशि के दिन अनुसार यह दिन अनुकूल है, तो आप ये मान के चले बुधवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। अति सुंदर संयोग इसमें बन रहा है। आप कुंभ लग्न में कर सकते हैं, वृषभ लग्न में कर सकते हैं, या सिंह लग्न में आप इनमें गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब जो दूसरी इसमें डेट आ रही है जून के अंदर, वो 3 जून है, जबकि इसमें चतुर्थी के बाद आप करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। पुष्य नक्षत्र के अंदर करें, बहुत सुंदर इसमें संयोग बन रहा है। अगली जो तिथि है 3 जून के बाद, वो है 4 जून। 4 जून में यहां पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शनिवार रहेगा, बड़ा अच्छा संयोग है। और पुष्य नक्षत्र के रहते आप जो है वृष सिंह आदि लग्नों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तदुपरांत यहां पर जो डेट पड़ रही है वो है 8 जून, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, और उत्तरा फाल्गुनी के अंदर नवमांस 6 के अंदर जो है आप इसे करें। अगली जो तिथि है वो है नवमी तिथि, यानी 9 जून को, जिसमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और गुरुवार का दिन रहेगा, चित्रा नक्षत्र। यह भी संयोग अच्छा है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। कलश कुंभी चक्र भी इस दिन शुभ आ रहा है। अगली तिथि है 10 जून को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजित नक्षत्र और कलश शुभ है, इस दिन भी बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। नेक्स्ट डेट यहां पर 11 जून को है, जो कि आपका शनिवार के दिन पड़ रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शनिवार है, शनिवार का बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं शनिवार है तो उस दिन उनको लगता है अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम 11 जून के बाद अगर मुहूर्त की बात करें तो यहां पर जून के महीने में आपको फिलहाल कोई भी शुभ डेट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज और भी हमें ध्यान में रखना है, कई बार होता क्या है कि बहुत आवश्यक अत्यावश्यक होने पर हमें गृह प्रवेश करना पड़ सकता है, उसके लिए भी कुछ नियम हैं। तो उन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप उन तिथियों के अंदर भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। बाद में उसमें क्या करना होता है, वो सब चीजें किस रूप में देखी जानी चाहिए, क्या वहां पर विधान नियम हमें लागू करना चाहिए, वो सब चीजें थोड़ा अलग विषय है। लेकिन अत्यावश्यक होने पर हम उसका भी चयन कर सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों के अंदर अगर समस्याएं कोई हैं तो उसके समाधान के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हुई है। आप यदि हस्तलिखित जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उसको भी समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे।